मैं समझा हूं, मैं चाहिए आपकी जो गिग क्रिएट होनी चाहिए। अब गिग क्रिएट करने के ना कुछ वो टूल्स क्या हैं या कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं वो आपने ज़हन में रखनी है, वो कौन 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 सी हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है ना आपने गिग्स जो सी है ना सबसे पहले जो है गिग्स स्टडी करनी है एक। दूसरे नंबर पे आपने एमएस वर्ड के अंदर जो है ना कॉपी पेस्ट करना है डेटा को। कॉपी पेस्ट कैसे करना है डेटा के, यहां से जैसे इनकी ये गिग का टाइटल आपने नोट डाउन किया, आप वहां पर अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर कॉपी पेस्ट करते जाएं। क्योंकि आप स्टडी जब करेंगे दो ऑप्शन है आपके पास, या बुक मार्क करते हैं ऊपर जो पेजेस होते हैं, मैं बुक मार्क भी आपको बता देता हूं क्या होता है, या आप जो है ना इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ना कॉपी पेस्ट करते जाएं। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा पहले जिस फील्ड में गिग बनाना चाह रहे हैं रेकमेंडेड है, ये सारी जगह रेकमेंडेड है, कम से कम आप 5 गिग स्टडीज करें उसकी एरिया की, उन गिग्स के बड़ा क्लोजली स्टडी करें, और उसके बाद जब आप स्टडी कंप्लीट कर लें फिर क्रिएशन की तरफ जाएं। बगैर सोचे समझे क्रिएट करते हैं तो बड़े खुशकिस्मत होंगे अगर आप वो रैंक कर देंगे, बट अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें, स्टडी करने से ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा तो फिर आप क्रिएशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ये दो चीजें तो मैं अभी आपको सिर्फ स्टडी की लैब करवा रहा हूँ फर्स्ट जो है। अब स्टडी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए किस एरिया में आपने गिग क्रिएट करनी है, एरिया आपका कौन सा है, आपने एसईओ की करनी है, सोशल मीडिया की करनी है, और मतलब क्लियरली सिलेक्ट करें कौन सी कैटेगरी की करना चाह रहे हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर पे एसईओ की करता हूं चूज, और इसके अंदर ही मैं एक बार फाइल ओपन की हुई है, ये सोशल मीडिया की है, ये एसईओ की है, ये एसईओ की। अच्छा ये आप देखें ये ऑन पेज एसईओ की है। अच्छा अब इसमें क्या इसमें लिखा हुआ है, ये आई विल का जो वर्ड है ना, आई विल का वर्ड है, ये फाइवर खुद ही ऐड कर देता है आपकी गिग के अंदर। अब इससे आगे लिखना होता है आपने आई विल डू, अब ये देखें ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, उसने एसईओ लगा दिया साथ, कितना सिंपल सा टाइटल लिखा हुआ है, और ऑर्डर कितने आ चुके हैं 621 है। अच्छा अब इस पर देखें आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये सिंपल एक टाइटल है। आप या तो ये प्रोफाइल को बुकमार्क करते हैं अपने पास यहां पे, और यहां पे बुकमार्क करने के बाद आप कर देते हैं इसको फोल्डर करके, एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कर लें ताकि आपको पता हो आपने स्टडी कौन सी प्रोफाइल की है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू करें। अब इसके बाद जो है ना ये कुछ इमेजेस वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं, आप लोगों ने अगर ऑन पेज एसईओ का टूल नहीं पढ़ा था मेरे से अभी तक वर्डप्रेस के अंदर पढ़ा है लिखा होगा मैंने एक मिनट बारह ये इन्होंने उसकी तस्वीर एक लगाई हुई है वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप ऑन पेज एसईओ का टूल यूज करें ना आल इन वन एसईओ करें या योस्ट एसईओ करें यूज, तो उसके अंदर ये इस तरह वो आपको शो कराता है कि सर्च इंजन में आपकी कौन सी प्रोफाइल कैसी नजर आएगी। तो ये वो इसने प्रैक्टिकली बताया कि ये देखें उसने क्या किया वहां से स्क्रीनशॉट ले के यहां पर स्क्वायर वो इमेज पब्लिश की है, प्लस ये एक और है स्क्रीनशॉट। अच्छा इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट्स हैं कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है, ये विक्स वगैरह हैं, ये इसने कीवर्ड्स रिसर्च वगैरह उनकी स्क्रीनशॉट लगाई है एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर कीवर्ड नहीं कीवर्ड्स निकाले जाते हैं ना वो एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये कीवर्ड्स है ये उनका वॉल्यूम है ये अच्छा थोड़ी सी उसका डाटा डाटा शो किया हुआ है, रेयर डाटा ज्यादातर शो किया हुआ है, और ये इसकी जो थी ना फर्स्ट इमेज है जो इसकी गिग के ऊपर नजर आ रही थी जो इसने खुद डेवलप की हुई है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल खुद ही डेवलप की हुई है, कैनवा पे करें जिस मर्जी टूल पे कर लें आप भी। तो आप यहाँ से क्या लग
लर्न किया, इमेजेस जो यूज करें वो प्रैक्टिकली वर्क ही करें ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये चीज समझ आ रही है आपको? स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने जस्ट शेयर की है, क्योंकि लोग रेयर इमेजेस देखते हैं कि अच्छा इसका वर्क कैसा होगा, तो वो फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन स्टार्ट की एक इमेज आपको इसी तरह बनानी पड़ेगी जिसमें आपका वर्क होगा एक्सपर्ट एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक थंबनेल की तरह था, थंबनेल की तरह जैसे जो इसका टाइटल है ना इसकी गिफ्ट का, ये इसमें देखें इसी इमेज के अंदर वो रिप्लेस किया हुआ यहाँ पे ऑन पेजेस, क्योंकि गूगल का लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता एक्सपर्ट रहा है या नहीं रहा, बट उसने लिखा हुआ है गूगल ने लिखा हुआ है, नीचे सर्टिफाइड है किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्मार्ट एकेडमी का मेरा भी सर्टिफिकेट है वो, मतलब कि सर्टिफिकेट से आप कर लें। तो उन्होंने क्या किया, प्रोफाइल बिल्डिंग प्रॉपर की है, मेरी गूगल से सर्टिफिकेशन है, मैं लिख देता हूँ गूगल सर्टिफाइड, अपनी मतलब इमेज के अंदर ही लिख रहे हैं गूगल सर्टिफाइड। अच्छा अब यहाँ से आप गिग का देखिए, अब गिग के अंदर क्या लिखना है ये देखिए, ये सबसे ज्यादा आपके लिए होगा कि रेकमेंडेड क्या, रेकमेंडेड ये है कि 5 से 6 गिग्स का यहाँ से डेटा सिलेक्ट करें और फिर अपना डेटा वहां से लेके बना लें, क्योंकि अगर खुद लिखने बैठेंगे ना तो बेताशर गलतियां भी करेंगे और वो सीक्वेंस भी नहीं बनेगा जिस तरह होना चाहिए। यहां से हेल्प ले लें 5-6 प्रोफाइल्स का डेटा कलेक्ट करके अपना डेटा उसमें से बना लें, ये सबसे बेस्ट करना होगा। फुल स्टैक उसने बताया डिजिटल मार्केटिंग एक्स गूगलर लोकेटेड, अपने अपने लोकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताया और ये बता दिया है, ये उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया स्टार्ट, ये देखें गिग के अंदर आई ये चीजें डिस्क्रिप्शन में। सेकंड वन उसने बताया कि गूगल के अंदर रैंकिंग फैक्टर जो उनसे होते हैं उसमें ऑन पेज एसईओ जो उनसे ना बहुत मेन वो होता है। अब ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज उसने बताया जो ये ऑफर कर रहे, कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड एनालिसिस है, मेटा टैग्स है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, हेड टैग्स है, ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, आपने ये सारी तकरीबन पढ़ी है इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स में आपने सारी पढ़ी है। स्पोर्टेड सीएमएस के जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ये कौन से प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट है, वर्डप्रेस है, स्क्वेयर है, शॉपिफाई है, ड्रूपल है, लोगों की ज्यादातर साइट्स जो होती है 90% या वर्डप्रेस में होंगी या शॉपिफाई में होंगी, बाकी इनमें से ये इक्का दुक्का आपको मिलेगी ज्यादा। तो आप सीएमएस लिखना चाहें ना लिखना चाहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसने कहा कि मैं इन चीजों पे सपोर्ट नहीं करूंगा, कोडिंग वाली साइट्स को कह रहा मैं नहीं करूंगा, क्यों, कोडिंग वाली में कोड में जाके एक एक जगह चीजें चेंज करनी पड़ती है। वर्डप्रेस में क्या होता है पेज के नीचे क्या आप प्लगइन करेंगे, मेरे कल का लेक्चर होगा उसी पे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज ये फाइबर तो इंशाल्लाह मुझे लग जा रहा है अभी है, ठीक है। हार्ड कोडेड साइट्स जो अच्छी हैं गूगल साइट्स, गोडैडी वेब बिल्डर, इनके ऊपर ऑन पेज एसईओ करना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो कह रहा मैं इस पे नहीं सर्विस दूंगा। आप और इस पे ऐसा एसएस ना कुछ लिखिएगा, लेकिन ये है कि कोडिंग वाली साइट्स की एसईओ उस वक्त करें अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड थोड़ा नॉलेज है, अगर नहीं है तो फिर उसको पिक ना करें, फिर आप क्या है मैं ये सीएमएस बेस कर दूंगा वर्डप्रेस करा रखी है या कुछ भी है। ये इन्होंने फर्दर लिखी भी है डिस्क्रिप्शन और इंग्लिश में वो कह रहे मैं सिर्फ करके दूंगा, ठीक है इंग्लिश में। और अगर ये सीएमएस क्या होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो कह रहा है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो गिग ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि इस सीएमएस के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वो कहते हैं। अब बाकी जो उनसे आप ये सर्विस है, अब इसमें आपने ये बायर की डिस्क्रिप्शन और ये जो भी मैं पढ़ा दिया, अब ये इनका पैकेज आ गया इसी का ऑन पेज एसईओ का, ये आप थोड़ा सा आप देख लें, बेसिक या स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, ऑन पेज ऑप्टिमाइज बेसिक। अब इसमें बेसिक जो वो 5 पेजों की एसईओ करके देगा, इसमें 10 पेजों की देगा, इसमें 15 पेजों की देगा एसईओ करके, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करके देगा, टाइटल ऑप्टिमाइज करेगा आप लोग भी कर सकते हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप लिख के दे सकते हैं,
इमेजेस के alt text, alt text आपको पता है क्या होता है? मैंने बताया जब आप इमेज अपलोड करते हैं ना तो उसके अंदर वो alt text आपसे पूछते हैं alt text, पता नहीं कितने तेज़ जब आदम था याद आ रहे alt text एक alt text में जब इमेज अपलोड करेंगे तो alt text वो आपसे मांगते हैं alt text क्या होता है कि जिसी वजह से आपकी इमेज लोड ना हो सकी तो वो text अपलोड हो जाएगा आपको 15 दिनों में ये वो एडिशनल में बता रहे थे हां ये एडिशनल का अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ऑर्डर देना चाहते हैं अभी नहीं पता चलो लेट्स सपोज दिस इज योर वेबसाइट है उसके 5 पेजेस दर्ज आते हैं तो वो 10 वाले में देख लो अच्छा ये ऑडिट वाला नेक्स्ट देख लेते हैं ये कह रहे मैं ऑडिट कर दूंगा बैड लिंक्स जो थे मैंने भी आपको बताया था बैड लिंक्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं ये कह रहा है मैं उनका ऑडिट एक तो कर दूंगा आपको और डिसएबल कर दूंगा अब आपने ये नहीं पढ़ा मेरे से डिसएबल क्या होता है डिसएबल मींस गूगल से रिक्वेस्ट करनी होती है कि ये लिंक्स बेसिकली इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसको डिसएबल कर दिया है आपने रिक्वेस्ट करनी होती है गूगल से कि इन लिंक्स को हम मतलब ऑन नहीं करते ना इनसे हम कोई अथॉरिटी लेना चाहते हैं मतलब हम ना इसका पॉजिटिव पार्ट लेना चाहते हैं नेगेटिव तो लेने नहीं चाहते हैं तो इसको डिसएबल करते हैं ऑडिट क्या करेगा ऑडिट करने के बाद ये डिसएबल करेगा अब ऑडिट के लिए टूल यूज होगा जिसमें स्मश हो सकता है एआरआर पर मैं आपको आज बस इनवाइट अप करवा के कल वर्डप्रेस ऑन पे जो नेक्स्ट जो वीक में ना स्मश वगैरह ये जस्ट आपको लेक्चर दे दूंगा ताकि आपको सिर्फ पता हो स्मश होता है उसमें कंपटीटर एनालिसिस वगैरह अच्छा अब ये करके क्या देगा ये देखिए स्मश का टूल यूज किया जाता है नॉर्मली मैं आपको बता दूं स्मश टूल यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए कि वेबसाइट आप उसमें अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद वो आपको बताता है कि ये जो आपकी वेबसाइट पर लिंक्स आ रही हैं ये लिंक्स क्या इनकी अथॉरिटी है अच्छा अब इसके अंदर ये अब आपको क्या क्या करके देगा डी इंडेक्सिंग का मतलब है क्या उनसे आपकी जान छुड़ा देगा या आपके अपने पेजेस में कोई इशू है वो भी वो डी इंडेक्सिंग कर देगा गूगल से क्या करेगा नो इंडेक्स का टैग लगाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर आपको मैंने बताया था ना नो इंडेक्स टैग होता है ये नो इंडेक्स टैग लगेगा इसके अंदर मलेशियस पेजेस हैं उनको ये डिसएबल करवाएगा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ये गूगल से रिक्वेस्ट की जाएगी बाकी ये पुअर बैक लिंकिंग है एचटीटीपी स्टेटस एरर आपको बता देगा 400 500 कौन से आए बता देगा ब्लॉग्स के स्पैम्स वगैरह देखेगा कमेंट्स वगैरह में कोई स्पैम्स तो नहीं है कोई एंकर टैग्स तो नहीं पैसों से रिलेटेड लगे हुए हैं तो ये इवैल्यूएट करके आपको प्रोफाइल दे देगा तो इसकी मैं देख लेता हूं पैकेजेस में अगर आ जाए तो इसके अंदर सिर्फ ये है कि उसने बताया कि मैं ऑडिट करूंगा अब टूल देखिए सिर्फ दास की आपको उनके लिए गूगल सर्च कंसोल यूज करेगा और डिसएबल की फाइल बना के उसको 500 के लिंक तक 500 लिंक्स जो थे ना उनको डिटैच करवा देगा अगर आपकी प्रोफाइल को 500 लिंक्स मिल रहे हैं जो बैड लिंक्स हैं तो उनको वो डिसएबल करवा देगा $150 देगा उसका सेम टूल है गूगल सर्च कंसोल और 10,000 लिंक्स और 2,000 लिंक्स हैं अब आप देखिए टूल आपने भी पढ़े हुए हैं डिसएबल का मुझे आपने याद करवानी है लैब मैं आपको एक लैब करवाऊंगा इसकी सिर्फ एक लैब है मैंने कहा हुआ था वैसे किसी ने भी लिखा हो अब टूल आपने सारे पढ़ लिए हैं उन टूल्स से मैं रिक्वेस्ट सिर्फ करना सीखनी है कि डिसएबल पर रिक्वेस्ट कैसे करनी है
आपने गूगल को प्रोफाइल देनी होती है कि ये लिंक्स हम इनको डिसेबल करते हैं। अब रिक्वेस्ट कहां से जाएगी,